हेलो, गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 30 हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम स्टडी कर रहे थे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स में देखो, फर्स्ट जो हाइड्रोकार्बन था एल्कीन, उसका हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया था। उसमें आईपीएसी नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सब हमने पढ़ ली थी। ठीक है, उसके बाद में हमने सेकेंड प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी। सेकेंड जो हाइड्रोकार्बन थे दैट इज एल्कीन्स। एल्कीन्स के अंदर हमने देखा था कि हमने उनका आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ा था और हम उनका प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे थे। आइसोमेरिज्म भी पढ़ा था, जिसमें हमने टू आइसोमेरिज्म पढ़ी थी, सिस एंड ट्रांस। ओके, सिस में हमने देखा था कि सेम ग्रुप अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच, जो सेम ग्रुप है वो सेम डायरेक्शन में हो तो उसको हम सिस बोलते हैं, और अगर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो उसको हम ट्रांस बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे उसके प्रिपरेशन मेथड्स। प्रिपरेशन मेथड्स में देखो, फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड पढ़ा था अपन ने फ्रॉम एल्काइन्स, मींस एल्काइन ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड से हमने डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स बनाए थे। ठीक है, उसके बाद हमने सेकेंड जो था वो पढ़ा था हमने फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, फ्रॉम डाई हैलाइड्स एक कंपाउंड था जिसमें कितने हैलोजन ग्रुप थे, टू हैलोजन ग्रुप थे, और उनको दोनों को रिलीज किया तो उसकी जगह डबल बॉन्ड आया था। ठीक है, सॉरी, तो अब हमने स्टार्ट किए थे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ठीक है, उसमें हमने एक रूल भी पढ़ा था, सेटजेफ रूल। ठीक है, वो भी आप सबको याद होगा, अगर नहीं भी याद है तो ये देखो अपन नेक्स्ट मेथड जो थर्ड मेथड है वो भी एक बार वापस से डिस्कस कर लेते हैं, और उससे रिलेटेड अब हमारा जो फोर्थ मेथड होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। थर्ड जो प्रिपरेशन मेथड है वो है आपका फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। क्या होता है, देखो अल्काइल ग्रुप होता है CH3, CH2, CH2, आगे कितनी भी लंबी चेन हो सकती है। ठीक है, मान लो ये है CH2, CH3। अब इसमें क्या प्रेजेंट हो, हैलोजन प्रेजेंट हो। जैसे मान लो इसमें यहाँ पे हैलोजन प्रेजेंट है, क्या अटैच कर दिया, Br। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने देखी थी, अगर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, KOH के साथ करवाते हैं। तो देखो आपको मैंने बताया था, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो या XYZ कोई भी स्पेसिफिक ग्रुप हो, उस ग्रुप से अटैच जो फर्स्ट कार्बन होगा उसको हम कौन सा कार्बन बोलते हैं, अल्फा कार्बन। ओके, एंड अल्फा कार्बन के नेक्स्ट जो कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं बीटा कार्बन। तो नेक्स्ट अल्फा से नेक्स्ट ये है, ये भी बीटा है और ये भी बीटा है। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन है कि अगर आपके पास बीटा मोर देन वन टाइप के हैं, तो उन दोनों बीटा में से वो हाइड्रोजन, तो देखो यहां पे किसके प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन, KOH के प्रेजेंस में। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, यहां से क्या रिलीज होगा, Br, और Br जो है जहां अटैच है उसकी जो बीटा पोजीशन होगी, ठीक है, Br की बीटा पोजीशन कौन सी है, ये वाले भी बीटा पोजीशन है, ये भी बीटा पोजीशन है। हमने देखा था इन दोनों बीटा में से किसी में से भी हाइड्रोजन रिलीज हो सकता है, तो वहां अपन ने एक सेटजेफ रूल अप्लाई किया था। सेटजेफ ने एक रूल बताया था, वो रूल अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि हाइड्रोजन इज, बीटा हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट कार्बन एटम विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, जिस कार्बन के पास बीटा हाइड्रोजन का नंबर कम होगा वहीं से क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। तो अपन ने देखा था जब यहां से H और यहां से Br निकलता है और डबल बॉन्ड सेकेंड और थर्ड कार्बन के बीच आता है तो वो प्रोडक्ट बनता है मेजर प्रोडक्ट, और अगर डबल बॉन्ड फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच आ रहा है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये डिस्कस हमने कर लिया था। ठीक है, अब देखो फोर्थ मेथड जो है, इन्होंने इसलिए बताया गया ये इंपॉर्टेंट है, आपके 12th क्लास में भी काम में आता है। ठीक है, फोर्थ मेथड देखो, फोर्थ मेथड इसी से रिजेंबल करता है, इसीलिए इस रिएक्शन को
एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, आप सबको पता है अल्कोहल्स क्या होते हैं, CH3CH2OH। OH जो फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल्स। ठीक है, ये जो अल्कोहल है किसकी प्रेजेंस में, H2SO4। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये भी सेम वही काम करेगा। इस रिएक्शन को हम और क्या बोलते हैं, फ्रॉम अल्कोहल के अलावा इस रिएक्शन को हम बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, जनरल वर्ड है, आप डेली लाइफ में भी बहुत ज्यादा सुनते हो इस वर्ड को। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, पानी का निकलना, वॉटर बाहर निकल रहा है, वॉटर रिमूव हो रहा है, डेफिशिएंसी हो रही है वॉटर की, उसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉटर रिलीज होगा। अब कैसे रिलीज होगा, देखो ये फंक्शनल ग्रुप हुआ, आपको पता है कोई भी फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जो अटैच कार्बन होगा उसको हम कौन सा कार्बन बोलते हैं, अल्फा। ओके, और अल्फा के जो नियरेस्ट कार्बन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बीटा। ठीक है, तो अब देखो इस बीटा वाला जो हाइड्रोजन है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, CH3 को हमने रिप्रेजेंट कर दिया CH2 और H से। तो देखो क्या होगा, यहां से क्या रिलीज होगा, H, यहां से क्या रिलीज होगा, OH। H और OH जब रिलीज होगा तो क्या बाहर निकलेगा, H2O, वाटर रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ वाटर बाहर निकल रहा है ना, इसलिए हमने इस रिएक्शन को क्या बोला, डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो जब यहां से OH और यहां से H निकल गया तो इन दोनों की वैलेंसी कैसे कंप्लीट होगी, इन दोनों की वैलेंसी कंप्लीट होगी क्या बनाकर, डबल बॉन्ड बनाकर। ठीक है, तो यहां किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब एल्कीन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, इथीन। क्लियर, तो अपने पास ये जो ग्रुप था इसका नेम क्या होगा, देखो कितने कार्बन की चेन है, 2, फॉर 2 कार्बन वी यूज इथेन। ठीक है, OH, OH फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या सफिक्स यूज होता है, ओल, तो क्या होगा, इथेनॉल। तो अगर हम इथेनॉल का क्या करवा दें, डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर, तो उससे किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखो, एक ऐसा ही एग्जांपल हम और लेते हैं, ये भी अल्कोहल ही है, CH3CHOH एंड CH2CH3। ठीक है, काम वही करना है, यहां भी क्या करना है, H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करनी है। ठीक है, और रिलीज क्या करना है, वाटर रिलीज करना है। तो देखो कैसे होगा वाटर रिलीज, ये OH है, ठीक है, इस OH से ये जो पोजीशन हुई है कौन सी हुई, अल्फा, और नेक्स्ट हुई बीटा, मींस ये भी बीटा और ये भी बीटा। ठीक है, अब देखो यहां पे जब 2 बीटा आ गए, मींस यहां कौन सा रूल अप्लाई होगा, कौन सी रिएक्शन है, एलिमिनेशन, और एलिमिनेशन में अगर आपके पास 2 ऑप्शन हो बीटा हाइड्रोजन को एलिमिनेट करने का, तो कौन सा बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, बताया था ना मैंने, कौन सा रूल बताया था, सेट्ज़र्फ रूल, मींस जिसके पास बीटा हाइड्रोजन का नंबर कम होगा, जो लेस अमाउंट में होगा वहां से वो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। ठीक है, तो देखो ये वाला OH और यहां से क्या बाहर निकलेगा, H, क्योंकि यहां कितने बीटा हाइड्रोजन है, 3, और इस तरफ कितने बीटा हाइड्रोजन है, 2। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, यहां 3 है नंबर ज्यादा है, यहां 2 है नंबर कम है, तो OH यहां से निकलेगा, H यहां से निकलेगा। ठीक है, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH CH3। ठीक है, यहां से OH रिलीज हो गया तो CH बच गया, यहां से H रिलीज हो गया तो CH बच गया, दोनों की बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या बन गया, डबल बॉन्ड, प्लस यहां से क्या रिलीज हो गया,
H2O वाटर रिलीज हो गया। ठीक है, अब देखो कंपाउंड क्या बना, कितने कार्बन की चेन है, फोर, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे है, सेकेंड, तो क्या लिखेंगे, ई। क्या नेम हो गया इसका, ब्यूट टू ई। क्लियर, तो यहां हम देखेंगे कि हमने कितने प्रिपरेशन मेथड्स पढ़े बेटा, फोर प्रिपरेशन मेथड्स। फर्स्ट हमने एल्कीन को प्रिपेयर किया अल्काइन से, सेकेंड हमने किया डाई हैलाइड से, थर्ड अपन ने किया अल्काइल हैलाइड से जिसमें हमने रिएक्शन पढ़ी एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और एलिमिनेशन रिएक्शन को क्या बोलते हैं, और बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि वहां हाइड्रोजन कौन से पोजीशन से एलिमिनेट होता है, बीटा पोजीशन से। क्लियर, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि बीटा एलिमिनेशन में अगर अपने पास मोर देन वन टाइप के बीटा हाइड्रोजन आए तो वहां कौन सा रूल अप्लाई होता है, सेटजेफ रूल। ओके, और सेटजेफ रूल हमने क्या पढ़ा, अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल बीटा हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड फ्रॉम दैट कार्बन एटम विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर, एंड फोर्थ मेथड जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा अल्कोहल से। ठीक है, अल्कोहल से क्या करवाया बेटा अपन ने, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मींस रिमूवल ऑफ वाटर। क्लियर, तो यहां अपन ने कितने मेथड्स पढ़े प्रिपरेशन के, फोर मेथड्स। ठीक है, अब देखो इसके बाद अपन पढ़ते हैं कौन सा टॉपिक, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे हमने अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, एल्केन्स की पढ़ी थी, एल्कीन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी भी एज इट इज सेम होगी। ठीक है, हमने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट के बारे में और सॉल्युबिलिटी के बारे में, तो सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है एल्कीन्स पर। एल्कीन्स में भी क्या होगा, अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। सेम कंसेप्ट है, वही जो अल्कोहल के लिए एल्केन्स के लिए थी वही सेम कंसेप्ट है, और अगर ब्रांचिंग इंक्रीज हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर, अपन ने इसका पहले डिस्कशन अपन कर चुके हैं इसलिए मैं वापस नहीं बता रही हूँ, फिर भी अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लेना है। ठीक है, तो हमने देखो याद है आपको अपन ने पढ़ा था मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो सरफेस एरिया बढ़ता है, और सरफेस एरिया बढ़ता है तो उसको जो कवर कर रहे हैं पार्टिकल्स उनका नंबर बढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और उसको ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर उतना ही ज्यादा देना पड़ता है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था ब्रांचिंग। ब्रांचिंग बढ़ने का मतलब है एक तो ये ऐसी चेन हो, ठीक है, अब ब्रांच हो जाता है तो क्या हो जाता है, उसका सरफेस एरिया कम हो जाता है, सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा और टेम्परेचर हमें कम देना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। वही सेम कंसेप्ट है जैसा एल्केन्स का था, सेम वैसा ही इसका है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी में भी सेम कंसेप्ट है, एल्केन्स भी कैसे होते हैं, जनरली नॉन पोलर होते हैं और वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, जो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आया है सेटजेफ रूल, आप जब 12th क्लास में आओगे तो बहुत जगह ये यूज आएगा, और इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें आपके एक नया रूल यूज आएगा, मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन। ओके।